कुछ साल पहले एक सॉन्ग आया था, एक नकली कहानी इसके साथ जुड़ी हुई थी। आईआईटी स्टूडेंट रोहन राठौर की कहानी, जो एक लड़की को बहुत प्यार करता था और उसी ने ये सॉन्ग लिखा था और गाया भी था। जी हाँ, वो सॉन्ग था तूने मेरे जाना एम्प्टीनेस। सॉन्ग गाने के 15 दिन बाद कैंसर से उसकी डेथ हो गई थी। इस कहानी ने लाखों लोगों को रोने पर मजबूर कर दिया था। ये सॉन्ग एंथम बन गया था दिल टूटे हुए लोगों के लिए। कुछ दिन बाद लोगों को जो पता चला उससे सब हैरान रह गए, क्योंकि रोहन राठौर नाम का कोई सिंगर नहीं था और रियल में कोई रोहन राठौर एग्जिस्ट ही नहीं करता था। इस सॉन्ग के जो रियल सिंगर थे वो मरे नहीं जिंदा थे, जिनका नाम था गजेंद्र वर्मा। अगर आप आज भी इंटरनेट पर सर्च करेंगे एम्प्टीनेस सिंगर, तो आपको कई वेबसाइट पर रोहन राठौर और कई वेबसाइट्स पर गजेंद्र वर्मा का नाम दिखेगा, पर रियल में ये सॉन्ग गजेंद्र वर्मा का ही है। खैर, आते हैं अपने आज के इस टॉपिक पे। तो आज हम बात करेंगे गजेंद्र वर्मा की सक्सेस स्टोरी के बारे में शुरू से। तो हाय गाइस, वेलकम टू आरके बायोग्राफी चैनल। बहुत बहुत स्वागत है आपका आरके बायोग्राफी चैनल में। तो चलिए जानते हैं उनकी सक्सेस स्टोरी के बारे में शुरू से। तो गजेंद्र वर्मा का जन्म 20 अप्रैल 1990 को सिरसा हरियाणा में हुआ था। उनके पिता का नाम सुरेंद्र वर्मा है, जो कि एक टीचर और एक पोएट हैं। उनका बड़ा भाई विक्रम सिंह वर्मा एक म्यूजिक प्रोड्यूसर, म्यूजिक डायरेक्टर और म्यूजिक कंपोजर है। उनकी माँ एक हाउसवाइफ है। गजेंद्र ने अपनी पढ़ाई आर्मी स्कूल जयपुर से की है और आगे की पढ़ाई उन्होंने SAE इंस्टीट्यूट मुंबई से की है। जब वो सिर्फ 3 साल के थे, तब से ही उन्होंने सिंगिंग स्टार्ट कर दी थी। उन्होंने म्यूजिक की ट्रेनिंग अपने पिता और अपने बड़े भाई से ली है। जब वो 11th क्लास में थे, तो वो जयपुर शिफ्ट हो गए और वहीं आर्मी स्कूल जयपुर से पढ़ाई करने लगे। वहाँ वो कई स्कूल फंक्शन, म्यूजिक कॉम्पिटिशन में भाग लिया करते थे और अधिकतर जीता भी करते थे। 21 साल की उम्र में उन्होंने अपने करियर की शुरुआत की थी। उन्होंने अपनी म्यूजिकल जर्नी की शुरुआत तूने मेरे जाना एम्प्टीनेस सॉन्ग से की थी। ये सॉन्ग आते ही बहुत पॉपुलर हो गया था। कुछ दिनों में ही इस सॉन्ग के यूट्यूब पर 15 लाख व्यूज हो गए थे। पर इस सॉन्ग के रिलीज होने के बाद सिंगर का नाम रोहन राठौर फ्रॉम IIT गुवाहाटी लिखा था। कुछ दिनों बाद पता चला कि उस सिंगर की कैंसर से डेथ हो गई है। बट जब पता लगाने के लिए IIT गुवाहाटी पहुंचे, तो उन्हें पता लगा कि रोहन राठौर नाम का कोई बंदा वहां नहीं था और रोहन राठौर नाम का कोई बंदा एग्जिस्ट नहीं करता था। कुछ दिनों तक तो लोगों के बीच एक मिस्ट्री बनकर रही। लोगों ने इंटरनेट पर भी सर्च करना स्टार्ट कर दिया, पर उन्हें कुछ जानकारी नहीं मिल सकी। कुछ दिनों बाद कानून की अदालत में गजेंद्र वर्मा ने कई अनुरोधों का दावा किया कि उन्होंने गीत गाया और असीम अब्बासी वो व्यक्ति थे जिन्होंने उनके लिए ये सॉन्ग लिखा था। इससे भी लोगों को विश्वास नहीं हुआ कि गजेंद्र वर्मा ही इस सॉन्ग के रियल सिंगर हैं, इसलिए उन्होंने अपनी वॉइस की ऑथेंटिसिटी को प्रूव करने के लिए एम्प्टीनेस एल्बम के 6 सॉन्ग्स रिलीज किए। अब कुछ लोगों को उन पर ट्रस्ट हो गया था, पर कुछ को अभी भी नहीं हुआ था। हालांकि कोर्ट ने गजेंद्र वर्मा को सॉन्ग राइट्स दे दिए। कुछ लोगों ने और मीडिया ने उन्हें एक्यूज किया कि आपने फेक स्टोरी से गाने को हिट किया। लोगों ने कहा कि ये मार्केटिंग का एक नया तरीका था, पर गजेंद्र का रिप्लाई था कि उन्होंने किसी को ये सॉन्ग देखकर रिव्यू देने के लिए दिया था, वहीं ये गाना लीक हो गया। इसके बाद कुछ दिनों में ये सब कॉन्ट्रोवर्सी खत्म हो गई और उन्होंने कुछ नए सॉन्ग्स निकाले, जिसमें मन मेरा, मुझे इश्क से, कुड़ी तू बटर, टोर मित्रा दी, मन जागे, हर कोई, ओ हमनवा, अंजाम, तेरा ही रहूं, एक कहानी, मेरा जहां, और भी कई सॉन्ग्स गाए, जिससे उन्होंने एक बार फिर लोगों के दिलों में अपनी जगह बनाई और फिर से एक बार अपने गानों से सबका दिल जीता। और हाल ही में उनका सॉन्ग तेरा घाटा आया और वह भी बहुत पॉपुलर हुआ। उस गाने को हिट करने के पीछे गजेंद्र वर्मा की तो आवाज थी ही, पर इन 4 लड़कियों का भी बहुत बड़ा हाथ था, जिनकी वीडियो सोशल मीडिया पर बहुत वायरल हुई। और जिन्होंने ये सॉन्ग नहीं सुना था, उन्होंने भी ये वीडियो देखने के बाद ये सॉन्ग जाकर सुना। तो यही थी आज की वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके आप हमें बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। एंड अगर आपको ऐसी वीडियो देखना अच्छा लगता है, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल नोटिफिकेशन आइकन पर टैप करें, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस, बाय बाय।